चित्रकूट के मंदाकिनी तट पर प्रकट पर्व का शुभारंभ। श्री रामनवमी के अवसर पर चित्रकूट के पवित्र मंदाकिनी तट राघवप्रयाग घाट से सोमवार से दृश्य शिव माध्यम से प्रस्तुत 7 दिवसीय रामलीला का शुभारंभ किया। राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर प्रकट पर्व का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीनदयाल स्वसंस्थान के संगठन सचिव अभय महाजन ने की। इस मौके पर खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र लटोरिया, विधायक नीलांशु चतुर्वेदी, कलेक्टर अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, सीईओ डॉक्टर परीक्षित राव, एसडीएम पीएस त्रिपाठी, नायब तहसीलदार ऋषि नारायण सिंह, सीएमओ विशाल सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा, भगवान श्री राम के चरित्र को पूरी दुनिया जानती है और मानती है। श्री राम के चरित्र का अनुसरण कर दुनिया का कल्याण हो सकता है। उन्होंने कहा, रामनवमी के पवित्र अवसर पर राम के चरित्र को अंतर्मन से ग्रहण कर अपना जीवन धन्य करें। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री लटोरिया ने कहा कि चित्रकूट की पावन धरा पर भगवान श्री राम के चरित्र पर ऐसे कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए। उन्होंने कहा, रामलीला यानी भगवान राम का चरित्र, परोपकार मर्यादा का बोध और अनुकरणीय भाव। राज्य शासन से चित्रकूट में ऐसे आयोजन लगातार किए जाने की पहल की जाएगी। विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने प्रकट्य पर्व के आयोजन के लिए राज्य शासन के संस्कृति विभाग का आभार जताते हुए कहा कि चित्रकूट में ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए।